दादो हाँ बेटा हम आपकी रस्में खत्म हो गई, हम उसको अंदर ले जाएं। हाँ हाँ रोना को कमरे में ले जा। चांदी इधर से आ। अंदर जाओ, मैं आती हूँ अंदर। हाँ जाओ चांदी, देखो उसका पल्लू संभालो, नीचे ना लगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी हो गया, सब कुछ खैरियत से हो गया। नहीं नहीं हमने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन रूना के लिए इस मौके पर आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं उसने कुछ भी नहीं कहा, वो कब कहाँ कुछ कहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आपको बहुत मिस कर रही है। जिंदगी में आपकी कमी से तो समझौता कर ही लिया है उसने, लेकिन अब इस मौके पर ऐसा होगा ये अच्छा नहीं है जमशेद। ओके खुदा हाफिज़। चांदी तुम जल्दी से जाओ, जूस या पानी कुछ लेकर आओ। देखो तो सही क्या हालत, इतनी चादरें डालने की क्या जरूरत थी, एक रजाई ले आते वही बहुत थी। पता नहीं तुम इतनी फिक्र क्यों करी वांजू, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, कैसे रहोगी ऐसे लोगों के बीच में। तेल लगा लगा के सारे बाल चिमड़ दिए और कहती है रूप आएगा। अंजुबा जी वो नीचे आपको अम्मा जी बुला रही हैं, तुम जूस पियो आराम करो और यहीं बैठी रहना, यहाँ से हिलना मत, वरना कोई नई रस्म याद आ जाएगी। आराम कर लो बाजी, अंजुबा जी दोबारा आ गई तो आराम करवाने के चक्कर में दर्द ही डाल देंगी। अच्छा बस बस तुम भी जाके देखो कोई काम है कि नहीं, तुम भी कोई कम नहीं हो।